Hey guys, welcome back to my channel. It's me Priya. I hope you are doing great. Well, by the way, this is video on my reaction. जो सुनादा शर्मा सिंगर है एंड सोनू सूद उनका न्यू सॉन्ग आया है पागल नहीं होना. एंड ऑफकोर्स इसमें जो लिरिक्स हैं वो जानी जी के लिरिक्स हैं. एंड सुनादा शर्मा, आई थिंक मैंने इनका पहले कभी सॉन्ग सुना था. बहुत ही अच्छी इनकी वॉइस है. इनके जो वॉइस में जो बेस होना चाहिए, ऑफकोर्स कि वॉइस में वो बेस है. एंड इनका मैंने पहले सॉन्ग सुना था, आई थिंक वो था मेरी मम्मी ने पसंद नहीं हो तो. सो मुझे बहुत वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा. एंड नाउ दिस वॉज सॉन्ग, मैं जो इनका सॉन्ग आया अभी मैं जा रही हूँ इनको सॉन्ग को सुनने. देखते हैं कि इनका सॉन्ग कैसा है. चलिए सुनते हैं पहले सॉन्ग, उसके बाद करते हैं बात. ओए हीरो, न जाने मैं पागल हूँ या वो पागल है, उसकी निगाहें मुझसे हर रोज ये सवाल करती हैं कि अक्सर तुम मेरे दिल के मोहल्ले में बिना दस्तक दिए चले आते हो और फिर अचानक बिछड़ जाते हो. मोहब्बत तो मुझसे बेइंतहा करती है, पर ना जाने मेरा दिल किस इश्क की तलाश में हर रोज निकल जाता है. पता मोहब्बत हुण तू मैनू नहीं करदा, मैनू पता मोहब्बत हुण तू मैनू नहीं करदा. इंतजार करांगी तेरा तू भावे आउणा नहीं, वे मैं तेरे पिछे आरा एनी पागलिया, वे मैं तेरे पिछे आरा एनी पागलिया. असी तेरे दीवाने जानी वे, तू वे दीवाना हो रादा. मेरी गलिया च सुने मैनू रोना सुने मोरा दा, असी तेरे दीवाने जानी वे, तू वे दीवाना हो रादा. मैनू दुनिया ने समझाया सी के बेचया होया ईमान तू, बस शायरी तेरी चंगी है पर चंगा नहीं इंसान तू. मैं इक ना मनी दुनिया दी तेरी हो गई वे, कि पता सी सच्ची तू सीने नाल लाउणा. जिंदगी जीने वे तेनू सौ मेरी तू
द सॉन्ग सुनादा शर्मा एंड सोनू सूद का पागल नहीं होना, तो जो एक स्टोरी सॉन्ग होती है ना वो ये सॉन्ग है। एंड जो लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग सॉन्ग जो होता है हैप्पी एंडिंग स्टोरी का, वो इस सॉन्ग में है। एंड नाउ दिस मतलब कि इसमें जो सोनू सूद होते हैं, हालांकि वो दोनों ही एक दूसरे को वन ऑफ लव इच अदर, बट जो उनका होता है ऑफर आ जाता है आर्मी से, देन वो चले जाते हैं और ये बात शायद उनको पता नहीं होती है सुनादा शर्मा को। एंड देन वो डेली डेली जो होते हैं स्टेशन के पास जाती हैं और वेट करती हैं कि शायद अब इस ट्रेन से आएंगे, अब इस ट्रेन से आएंगे। एंड लास्ट में फिर वो दोनों मिल ही जाते हैं, लास्ट में वो आते हैं। देन जो एक लव स्टोरी सॉन्ग के हैप्पी एंडिंग जो होती है वो इस सॉन्ग में थी। एंड जो सॉन्ग था एंड जो लिरिक्स थे सॉन्ग के जानी जी के, आई लव देम, एंड जो भी सॉन्ग था आई लव दिस सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। देन आपने अगर इसकी रियल वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले इसकी रियल वीडियो देखे, इनके सॉन्ग को सुने, क्योंकि एक सुनादा शर्मा में इनकी जो वॉइस होती है आई लाइक दिस वॉइस, बिकॉज ना इनके वॉइस में जो बेस होता है आई लव। एंड जो इसमें फर्स्ट जो लिरिक्स थे पहले, जो मुझे नहीं पता था कि इसमें सोनू सूद ने भी लिरिक्स बोले हैं, जो स्टार्टिंग में लिरिक्स थे वो कुछ सोनू सूद के थे, उनकी खुद की वॉइस थी। वाओ दैट वाज वॉइस, उनकी खुद की वॉइस में थी वो लिरिक्स। अच्छा लगा मुझे ये सॉन्ग, आपको कैसा लगा? मेरा इस सॉन्ग को देखकर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, सो जिससे कि मेरी आगे की वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।